इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, पहले से क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्वेश्चन है 8 ए टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तो अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले फॉर्मूले पे बिठाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके जगह पे a ऐसे लिख सकते हैं 2 a टू द पावर 3 है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, एक a के ऊपर पावर 3 हो जाएगा प्लस ये b के ऊपर पावर 3 ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस जगह पे लॉजिक होता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पे बिठाने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे फॉर्मूला क्या होता है, 3 a स्क्वायर b, तो हमने पहले 3 लिख लिया और a के जगह पे हमारे पास 2 a आ रहा है, तो हमने 2 a का स्क्वायर डाल दिया और b के जगह पे हमने b लिख दिया। प्लस इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 इंटू ए मतलब कि 2a और फिर ये b का स्क्वायर हमने लिख लिया, ये b का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा ये फॉर्मूला आएगा a प्लस b का होल 3 मतलब 2a प्लस b का होल 3। अब चूंकि फैक्टराइजेशन कह रहा था, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा था, तो अब इसी चीज को हम लोग 3, चूंकि पावर 3 है तो 3 बार लिख लेंगे, 2a प्लस b, यहाँ पे फिर से लिखा 2a प्लस b और फिर ये भी लिखा 2a प्लस b और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 माइनस 12 a स्क्वायर b और प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन के आएगा देखते हैं। ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें माइनस है प्लस के जगह पे, तो सेम सेम बनना है। लिख दिया 2 ए टू दी पावर 3 माइनस बी के ऊपर पावर 3, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 ए का स्क्वायर इंटू बी और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 ए और यहाँ पे बी का स्क्वायर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बैठ रहा है ये क्या हो जा रहा है, 2 ए माइनस बी इसके ऊपर पावर 3 बन रहा है ना, ए माइनस बी के ऊपर पावर 3। तो हमने ये लिख लिया, अब इसको फैक्टराइज कह रहा था तो तीन बार लिख लेंगे, 2 ए माइनस बी फिर से 2 ए माइनस बी और फिर यहाँ पे 2 ए माइनस बी और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए टू द पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर पावर 3 माइनस 125 ए 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 ए के ऊपर पावर 3 है ना, 5 5 जा 25 25 5 जा 125 माइनस, अब इस जगह पे फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला हो जाता है 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b के जगह पे हमारे पास है 5 पे, 5 पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 135 आएगा प्लस 225 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से 3 इंटू ए मतलब कि 3 और b स्क्वायर मतलब 5 a के ऊपर पावर 2, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 3 जा 225। तो ये हमारा हो गया। अब इसके आगे लेंगे, इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 5 ए इसके ऊपर पावर 3। तो ये अब चूंकि फैक्टराइजेशन कह रहा था तो इसको तीन बार लिख देना है, 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए और फिर 3 माइनस 5 ए, ये हो गया हमारा आंसर।
तो हमने तीन पार्ट देख लिया, अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है 64 a के ऊपर पावर 3 माइनस 27 b के ऊपर पावर 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी, और लास्ट है हमारे पास 108 ए बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64, ये 64 किसका क्यूब हो जाता है, तो ये हो जाता है 4 ए इसके ऊपर पावर 3, क्योंकि 4 को अगर हम 4 into 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। इसी तरह से माइनस 3 बी के ऊपर पावर 3 हो जाएगा, माइनस इस जगह पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे सेट करने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 ए का स्क्वायर, और बी के जगह पे हमें लिख देना है 3 बी, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा फिर से 3 इंटू 4 ए इंटू 3 बी का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 144 हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 16 को अगर हम 9 से 16 9 जा 144, इसी तरह से ये 3 3 जा 9 9 9 4 जा 36 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूले पे आ गया, किस फॉर्मूले पे, 4a माइनस 3b के ऊपर पावर 3। तो अब चूंकि फैक्टराइजेशन कह रहा था तो इसको तीन बार लिख देना है, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और फिर 4a माइनस 3b, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 27 पी के ऊपर पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें 27p को लिख सकते हैं, 27p3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3p के ऊपर पावर 3 है ना, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस, इसको अगर हम ऐसे लिख लेंगे 1/6 इसके ऊपर पावर 3 माइनस, अब इस जगह पे फॉर्मूला पुट करना है तो ये जगह 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 3 into 3p into 1/6 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 9, कैसे आएगा 9 देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ जब ये 3 से कटेगा 6 तो ये 2 हो जाएगा, तो 9/2 और p का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ये 6 6 जा 36 हो जा रहा है, जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 4 और ऊपर बच जाएगा 1 और ये p बच जाएगा, क्योंकि 9 4 जा 36 हो जाता है। तो अभी हमारा आ गया फॉर्मूले पे 3p-1/6 इसके ऊपर पावर 3। तो फैक्टराइजेशन कह रहा था तो इसको तीन बार लिख देना हमें, 3p-1/6 3p-1/6 और फिर 3p-1/6 और ये हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।